खरगोन में पोस्ट ऑफिस का मामला एक बार फिर गर्माता जा रहा है। पुलिस बचत खातों में करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने वाले दो आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ऐसे में ऑफिस के विक्रेता मोहन चांदोर की शिकायत लेकर हितग्राही पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए। हितग्राहियों ने पुलिस अधीक्षक से मोहन चांदोर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। उन्होंने बताया कि केप विक्रेता मोहन चांदोरे के कहने पर हमने पैसों का लेन देन किया था। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चौरसिया ने बताया कि साक्ष्य के आधार पर जांच की जा रही है। आसुविया भरोसा दे रहे हैं, बाकी कहीं नहीं है। मोहन चांदोरे तो घर में बकायदा घी रोटी दूध सब चलने दे रहा है ना, वो बाहर घूम रहा है, बाकी कहीं नहीं हो रहा उसके खिलाफ। उसके खिलाफ मैंने पहले भी आवेदन दिया था, मैंने पूरा आवेदन उसके खिलाफ टाइप करवा के दिया, SP साहब को देके गया, SP साहब से पर्सनल मुलाकात करके गया, तब भी कुछ नहीं हुआ। वो बोले साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य नहीं, वही तो साक्ष्य है। मैं तो उसके घर पे होके आया था, मेरे पैसा मेरा 1.5 लाख रुपया। मैं उसके घर पे गया कि यार भैया मेरे को 1.5 लाख की FD करना, तो उन्होंने बोला कि तू जा जगदीश काक के पास जा और FD करके आ जा। ने जो पैसा मेरे घर से गया है, मेन आरोपी मोहन चांदोरे है, क्योंकि मोहन चांदोरे के अंतर्गत काम करता था जगदीश काक, है ना, जगदीश काक काम कर रहा था। तो जो पैसा लेन देन का पूरा व्यवहार जो पैसा है मोहन चांदोरे के नाम से हुआ था। मैंने जो रिपोर्ट FIR मेरी दर्ज है, FIR दर्ज है, वो है मोहन चांदोर के नाम से और जगदीश काक के नाम से। तो जगदीश काक पकड़ा गया, मोहन चांदोर अभी भी फ्री होकर घूम रहा है। कितने पैसे थे आपके? मेरे करीबन 10 लाख के आसपास, मेरी मम्मी का पैसा है, बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा के जमा किया था 15 साल में उन्होंने, और एक झटके में इन्होंने इस तरह कमाल दिखा दिया। पुलिस तो कह रही कि मोहन चांदोर के खिलाफ साक्षी नहीं है। नहीं, साक्षी नहीं, मेरे पास में इसके पूरे प्रूफ है कि दो आरोपी है और दो आरोपी में जो है इनका नाम है। सबसे पहला नाम है जगदीश पिता मांगीलाल काक जाति जो भी है, और बाद में मोहन चांदोर है हरसिंहपुरा। वो अभिकर्ता नहीं है, अभिकर्ता तो इसमें आरोप जी। दूसरी बात, जितने लोगों पे इसमें आरोप लगे हैं, साक्ष्य हैं, उन सबकी FIR में नाम है। तीसरी बात, पोस्ट ऑफिस पे FIR की बात कर रहे थे, तो किसी बिल्डिंग पे FIR नहीं होती। पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे तत् समय में, जिनकी लापरवाही और चूक के कारण ये भ्रम पैदा हुआ कि वो कर्मचारी एजेंट है या कर्मचारी है, ये जो कन्फ्यूजन के कारण मतलब उनको अलाउ किया या पासबुक और सील या पासवर्ड उनको दिए गए, उनमें जो कर्मचारी दोषी पाए उसमें आरोप है। जो समुचित कार्रवाई की जा रही है और गिरफ्तारियाँ भी की गई हैं और कोशिश की जा रही है अधिक से अधिक लोगों को न्यायालय के माध्यम से इसमें पास। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज़। नमस्कार।